The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, namaskar dosto. So, आज की बातचीत हम करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। जब भी बात आती है ट्रांसप्लांट की तो किडनी का ट्रांसप्लांट जो है ये सबसे आगे होता है, सबसे कॉमन होता है। और इसका मतलब ये है कि एक इंसान जिसकी किडनी जो है वो फेल हो रही है, याद रखिए किडनी फेल होने वाले, ऑब्वियसली बात है किडनी किसी की फेल हो रही है तो उसकी किडनी निकाल के एक हेल्दी किडनी, एक स्वस्थ किडनी उस दूसरे इंसान के अंदर डाल दी जाती है जिसकी किडनी खराब हो रही है, उसे किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑपरेशन जब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की बात आती है किडनी को। उसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत सारे होते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको समझना है, एक जो किडनी किसी जो डोनेट की जाती है किसी, क्योंकि आपके पास में दो किडनी है, हर इंसान के पास दो किडनी है, तो जब दोनों किडनी किसी की ख़राब हो जाती है तो किसी और इंसान से एक किडनी डोनेट करके आपको दी जाती है। और डोनेटेड किडनी जो है ये किसी लिविंग रिलेटिव की हो सकती है, आपके रिश्तेदार की हो सकती है, रिलेटेड टू पर्सन, जैसे पेरेंट, माँ बाप, बच्चा, सिबलिंग, है ना, बुज़ुर्ग को दे दो, या फिर अनरिलेटेड डोनर भी हो सकता है, फ्रेंड, स्पाउस, कोई और रिश्तेदार, जानकार, नई जानकार, या फिर कोई डिसीज्ड पर्सन, जब इंसान मर जाता है तो भी उसके ऑर्गन काम आ सकते हैं, तो ऐसा कोई रिसेंटली अभी अभी मरा हो कुछ ही घंटे पहले तो उसकी किडनी निकाल के आप दूसरे को डाल सकते हैं अगर उस मरे हुए इंसान को कोई किडनी की बीमारी नहीं थी तो, ऑब्वियसली बात है। सो हेल्दी किडनी चाहिए पहले तो ट्रांसप्लांट के लिए, और इस किडनी को एक स्पेशल सोल्यूशन में रखना होता है, एक अच्छी सोल्यूशन में जिसमें कि किडनी जो है वो प्रिजर्व हो सके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके उस सोल्यूशन में किडनी ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स तक रह सकती है, 48 घंटे तक रह सकती है। इसलिए हमारे पास ये थोड़े से टाइम मिल जाता है कुछ टेस्ट करने का कि भाई जो जो डोनर है जिसको किडनी जा रही है, जिससे लिया जा रहा है वो दोनों में मैच है कि नहीं। मैं ऐसी उठा के किसी के अंदर किडनी डाल दो फेल हो जाए, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए तो और ज़्यादा लेने के देने पड़ जाते इंसान, और ज़्यादा इंसान जो है दिक्कतें हो सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 48 घंटे मिलते हैं टेस्टों के लिए कि वो मैच हो रही है या नहीं, एक्सेप्ट करेगी किडनी नया डोनर या नहीं। उसके अलावा अगर आप किडनी डोनेट कर रहे हैं तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, आपको जनरल एनेस्थीशिया में रहना होगा और आपको आपकी किडनी निकाली जाएगी। तो किडनी जो है पेशेंट को भी दी जाएगी और पेशेंट के भी जो ऑब्वियसली ऑपरेशन, तो ऑपरेशन डिटेल्स का क्या करना है हमें, उसका कोई टेंशन नहीं, ऑपरेशन डिटेल जो है सर्जन के पास रहने दो। अब समझते हैं कब किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। किडनी ट्रांसप्लांट तब नहीं कर सकते अगर दोनों में से किसी को भी इन्फेक्शन है, दोनों में से पेशेंट को यानी रिसिपियंट या डोनर दोनों में से किसी को भी कोई बोन इन्फेक्शन, कोई मेजर इन्फेक्शन, कोई ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई बीमारी है, कोई हार्ट, लंग, लिवर डिजीज़ है मेजर तो दिक्कत हो सकती है, या कोई और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है अभी इस वक्त, या फिर कोई कैंसर हो चुका है, या हेपेटाइटिस लिवर का इन्फेक्शन है, या फिर कोई मेजर बिहेवियरल बीमारी है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो क्या मतलब है नई किडनी उसको दे के जब उसकी वैसी किडनी वो ख़राब करने वाला है, तो दूसरे किसी को दे दो, कोई ऐसा इंसान को दो जो अच्छा उसको मेंटेन कर ले, ऐसा है। तो इसलिए उसमें ट्रांसप्लांट मे नॉट, शुड नॉट भी नहीं लिखा है, मे नॉट बी डन, हो सकता है इन कारणों के वजह से आपकी को ऑपरेशन ना कर, नहीं या ऑपरेशन करने की या किडनी आपको ना मिले, अगर आपका खासकर उस ऑर्गन डोनेशन लिस्ट से आपको किडनी मिल रही है कोई, तो खुद की किडनी है, खुद का रिलेटिव है, नहीं मैं तो इसको ही दूंगा चाहे वो ख़राब कर दे, वो अलग बात है, ठीक है। सो रिस्क होते हैं ऑब्वियसली, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, मेजर रिस्क है, इसमें दोनों को रिस्क होते हैं, जो देने वाला लेने वाला दोनों को रिस्क होते हैं, खासकर इसमें रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के, और इसके अंदर स्ट्रोक का, ब्लड क्लॉट के रिस्क होते हैं। सो क्लॉट्स जो हैं आपके हार्ट में जाके अटैक कर सकते हैं, ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकते हैं, और
कई सारी मेडिसिंस दी जाती है जो ट्रांसप्लांट को आप एक्सेप्ट करें, पेशेंट रिजेक्ट ना कर दे, उसके लिए दी जाती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के प्रिवेंशन की दवा, वो भी बहुत सीरियस दवाइयाँ होती हैं, सीवियर दवाइयाँ होती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाइयाँ होती हैं, उसके भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज ऐसी आ जाती है जब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। सो प्रोसीजर होता है, बिफोर आफ्टर प्रोसीजर आपके टेस्ट होंगे, प्रोसीजर के बिना पहले भी, प्रोसीजर के बाद भी। लेकिन याद रखिए, जब आपकी ट्रांसप्लांट का अगर मौका आता है ऐसा कोई ज़िंदगी में, तो जिसकी भी ट्रांसप्लांट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिफोर से बेटर हो जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। और जो डोनर होता है उसको भी सिंगल किडनी के साथ वो आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये दो सबसे बड़ी, मैं नॉर्मल जी पाऊंगा, हाँ जी, मैं दौड़ भाग कर जाऊंगा, हाँ जी, मैं उल्टे सीधे काम कर पाऊंगा, सिगरेट बीड़ी दारू तंबाकू करोगे लेकिन जल्दी खराब हो जाएगी किडनी। सो आप ना करो तो बेहतर है, आपकी एक ही किडनी है, उसको प्यार से रखो, है कि नहीं। सो वो ज़रूरी है। तो नया किडनी लेके क्या मैं उल्टे सीधे काम, नहीं भैया, है ना, बड़ी मुश्किल अभी मौत के मुंह से निकले हो, ना किडनी खराब है कौन जिएगा, थोड़ा लाइफ रही खराब हो जाती है। सो किडनी ट्रांसप्लांट में जितना आप सेफ चलोगे, जितना हेल्दी रहोगे उतना अच्छा। अगर आपकी बीमारी है, आपको स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, आप मोटे हो, एक्सरसाइज नहीं करते, शुगर बीपी डायबिटीज़ है, तो इन सब चीज़ों में और ज़्यादा चांसेस हैं ट्रांसप्लांट खराब होने के, रिजेक्शन होने के, कॉम्प्लिकेशन आने के, आगे चल के वो किडनी जो नया ली है वो भी खराब हो जाने के। तो और ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, राइट, एंड इट्स पार्टली अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग, सो यू हैव टू डू दैट फर्स्ट। सो करेक्ट योर लाइफस्टाइल ताकि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो भैया बहुत महंगा है, तो इंश्योरेंस लेके रखो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट, वो काम करिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट विच आई कुड टेल यू इन शॉर्ट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दबा दबा के, एट्सेट्रा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।